दोस्तों आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। आज आपके बीच फिर हाजिर हुआ एक नया केस स्टडी के साथ। हमारे पास हम एक रिपेयर करेंगे डेल का N4010 का बोर्ड का, हम रिपेयर करेंगे लाइव केस स्टडी। पूरा फुल वीडियो देखेगा तभी समझ में आएगा कि इस वीडियो को हमने, इस मदरबोर्ड को हम कैसे डायग्नोस करेंगे और किस तरह रिपेयर करेंगे। इसमें क्लू भी मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे हम। DC6 से लेके मतलब अपर पॉइंट तक हम चेक करेंगे। जिस लेवल तक हम चेक करने के हमारा क्षमता है उसी लेवल तक हम चेक करेंगे, बोर्ड हम रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा बोर्ड है, इसका पार्ट नंबर DZPWS7NT बताने की कोशिश कर रहा है मुझे। देखिएगा 39, पहले 30 आया, 20, दो तीन स्टेप पार होके 30 पे आके रुक जाता है। ट्रिगर करता हूँ, कुछ ट्रिगर नहीं होने वाला, नहीं होता ट्रिगर, डेड लैपटॉप है बिल्कुल। तो हम डेड लैपटॉप रिपेयर करने के एक तरीका है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डेड लैपटॉप ने सबसे पहले हम DC6 से स्टार्ट करेंगे रिपेयर करना, चेक करेंगे। इससे पहले एक बार कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। कूल टेस्टिंग मल्टीमीटर हिट आना, कूल टेस्टिंग कर लेता हूँ। इसको हम डाइवर्ट मोड में रखेंगे। ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, वेरी गुड, ओके ओके ओके। तो दोस्त बोर्ड में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी बैटरी कोयल ओके, 5 वोल्ट मुझे मिल रहा है। थ्री गुड, 5 वोल्ट वेरी गुड। ये तो सस्पेंड वोल्टेज है, ये सब नहीं आने वाला शायद। ऑलवेज वोल्टेज सारे आ रहे हैं। 1.5 ये भी मिल रहा है। तो कुल मिला के हमारा स्टेप डाउन जो सर्किट है वो काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि 3.3 और 5 वोल्ट जो है हमारा मिल गया है। तो इसका कंफर्मेशन ये है कि हमारा 19 वोल्ट तो ओके ही है। अगर 19 वोल्ट में कुछ प्रॉब्लम होता तो यहाँ पर स्टेप डाउन सर्किट मेरा ऑन नहीं होता। ये देखिए 32 किलो हर्ट्ज जूम कर दे, हाँ 32 किलो हर्ट्ज मुझे मिल रहा है। इसका सीधा मतलब यह है क्रिस्टल हमारा काम कर रहा है, ओके है। एसी ओके आना चाहिए और 32 किलो हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बना है वो मुझे सस क्लक जो बना है वो सस क्लक आयो में चाहिए। सस क्लक के नाम से आता है, क्लॉक के नाम से भी आता है। 32 किलो हर्ट्ज मुझे यहाँ पर आयो पर चाहिए। तो वो तीन चीज़ें जो हैं मैं चेक करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम RTC सेक्शन को अच्छी तरीके से हम चेक करेंगे।
दोस्तों हम क्रिस्टल को चेक करेंगे। क्रिस्टल को चेक करने से पहले हमको एक सेटिंग करना ज़रूरी होता है। हमको चेक करना एसी डीसी को एसी पर कर लेना है और प्रो को X1 से X10 पर कर लेना है। तो हम क्रिस्टल पर रखेंगे और क्रिस्टल का कंडीशन चेक कर लेंगे। क्रिस्टल कहाँ गया मेरा, ये रहा क्रिस्टल। और इसको एक बार ऑटो का बटन दबाना पड़ेगा। वेरी गुड, मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि क्रिस्टल जिंदा है। 32 किलो हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है वो जेनरेट हुआ है। इसका मतलब हमारा आरटीसी बैटरी और क्रिस्टल दोनों जिंदा है। तो तीसरा स्टेप जाएगा आईओ का बीसीसी। तो आईओ का बीसीसी शायद मिल रहा है क्योंकि आरटीसी का बीसीसी ये वोल्टेज और हमारा 3.3 वोल्टेज का जो वोल्टेज होता है एलडीए वोल्टेज, तो आईओ बीसीसी में जाता है। और कभी सीमोस बैटरी का भी आईओ पर बीसीसी नाम से जाता है। तो ये शायद मिल रहा होगा। तो हम मदरबोर्ड को तीन स्टेप में चेक करेंगे। फर्स्ट वोल्टेज लेवल, वोल्टेज लेवल में चेक करेंगे हर ऐसी का जितना एक्टिवेट हो रहा है उसका। हम पावर बोर्ड चेक करेंगे हमारे इधर। तो अब हमारा टेस्टिंग पॉइंट है डायोड में देखेंगे। डायोड में हमारा 3.3 प्रॉपर मिल रहा है, इस तरफ भी मिल रहा है, इस तरफ भी मिल रहा है। तो इसका सीधा मतलब है डायोड हमारा काम कर गया है। तो हम आरटीसी सेक्शन में जाएंगे। आरटीसी है आरटीसी 1, आरटीसी 2 हमारा परफेक्ट है। अब रह गया आरटीसी रीसेट, एसआरटीसी रीसेट, इंट्रोडर, इतने पॉइंट को हमको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं लूँगा आरटीसी रीसेट को लूँगा। कॉपी करता हूँ क्योंकि आरटीसी रीसेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट नहीं हो रहा है शायद, लिखना पड़ेगा आरटीसी। ये हमारा एक रजिस्टर है, हम इस पॉइंट में चेक करेंगे R267। इस रजिस्टर पे हमें 3.3 वोल्टेज मिलना चाहिए। आरटीसी रीसेट को इस पॉइंट में हम चेक करेंगे। तो हम बोर्ड में ढूंढेंगे, पीसीएस के आसपास में ही होगा। ये रहा हमारा पीसीएस R267। ये यहाँ पर है R267। इसका मतलब यहाँ पर दोनों तरफ मुझे 3.3 वोल्टेज मिलना चाहिए आरटीसी रीसेट का है। तो हम एक बार फिर पावर लगाएंगे। अब देख सकते हैं आरटीसी रीसेट में मुझे कोई वोल्टेज नहीं है। ये वोल्टेज मिलना बहुत ज़रूरी है। आरटीसी रीसेट पर हमारा बिल्कुल ट्रैक ओपन है। अब देख सकते हैं मैं आरटीसी रीसेट का जो 4267 का जो रजिस्टर है, 20 किलो ओम का जो रजिस्टर है, यहाँ पर हमें 3.3 आरटीसी सेल का बैटरी का जो पावर 67, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर का प्रो रखा और यहाँ पर देखिए ये आरटीसी में बिल्कुल ट्रैक ओपन हो चुका है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो हम इसको जंपर करेंगे।